मयूरभंज जिला के कोविड मरीजों का वायरल वीडियो समाचार पर प्रसारित होने के बाद वहां का जिलापाल श्री विनीत भारद्वाज और जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उस वीडियो की सच्चाई को जानने, वहां की व्यवस्था की समीक्षा करने कोविड अस्पताल का दौरा किया गया। वहां से प्रशासन की तरफ से एक गैर जिम्मेदार टिप्पणी प्रेस रिलीज के माध्यम से की गई। उसमें क्या क्या लिखा गया है ये आप लोगों को सुनाते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। वहां किस तरह मरीजों को इलाज किया जाता है, खाने का इंतजाम किस तरह होता है, शौचालय की सफाई कैसे होती है, ऑक्सीजन मरीजों को दिया जाता है या नहीं, ये सब समीक्षा की गई। जो अभिजोग सोशल मीडिया से आ रहा है कोविड मरीजों को लेके चिकित्सक और नर्स के नाम, वो सब छानबीन करते हुए पता चला कि वह सब असत्य और निराधार है। वो मरीज न्यूरोलॉजिकल संकट से गुजर रहा था और शराब वापसी के दौर से भी गुजर रहा था। उनको बहुत बार नर्स और सहायक कर्मचारियों से अपने बिस्तर पर लाया जाता था। मां के सभी कर्मचारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए वो लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये था प्रेस रिलीज का वो झूठ। आप लोग समझ गए होंगे जिला प्रशासन का यह गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी में कितना सच और कितना झूठ है। आइए एक बार वो ऑडियो को ध्यान से सुनते हैं। आया निजे चिल्ली आया 19 तारीख रु मु कोन का मिछो कोई गया 19 तारीख दिन बापा को नेगी ओले 19 तारीख रु मु 27 तारीख जाय चिल्ली बापा को 25 तारीख दिन आईसीयू को नले ताप परे मध्ये मु दि दिन रहली अपेक्षा करली मते आईसीयू को दिजबा पई देलेनी कि देखिया पई देलेनी आ जहा भी किछि पचारली सेति बापा केमिति अछन्ती कहिलेनी कि कहले हेल्पलाइन नंबर को कॉल करो ये जे मु भाबली जे आ कोन पई अधिक दिन रहिगी एठी मोर स्वास्थ्य खराब करी मु घर को पळे आसली 27 तारीख दिन आसिक मुझे क्वारंटाइन भाई गोटे रूम रे अच्छी गत का मतलब फोन आसा 12 पाखापाखि 12:30 भितर आपा ना। इस ऑडियो में हमारे रिपोर्टर श्रीकांत जी जिनके साथ बात कर रहे हैं वो ओडिशा में, ये कह रहे हैं कि वो वीडियो खुद शूट किया है और 11 मई से 27 मई तक वहाँ थे। मैं अपने पिताजी के पास जब पिताजी को आईसीयू में ले गए तब मुझसे वहाँ से भेज दिया गया घर को और घर में आइसोलेशन में रहने के लिए बोला गया और 2 दिन बाद अस्पताल से कॉल करके बोले कि तुम्हारे पिताजी गुजर गए। क्या ये बात झूठ है? कौन झूठ बोल रहा है, ये वीडियो का या जिला प्रशासन? जिलापाल विनीत भारद्वाज जी गौर से सुन लें। हम भी सराहना करते हैं वहाँ के हर एक कर्मचारी का जो एक योद्धा की तरह काम कर रहे हैं, पर सच सच होता है और झूठ हर वक्त के लिए झूठ ही होता है। जिला प्रशासन केबे जानिले प्रथम कथा होची आज दीर्घ 2020 रु जो कोरोना आसला से कोरोना पीरियड रु माने सारा मयूरभंज जिला जेकोसी रोगी बा जेकोसी जनसाधारण गुटिए समस्वर रे कहि चालचंती आज दीर्घ वर्षे पूरी गलानी जे बांकी सोले थिबा कोविड हॉस्पिटल यही हस्पिटाल कौन सी प्रकार ट्रीटमेंट बा कौन सी डाक्टर व्यवस्था नर्स व्यवस्था बा रोगी मान को प्रति जत्न नवा ठीक भाव में मेडिसिन खुआवा इत्यादि ये भली कौन सी व्यवस्था सुचारू रूपे हो पारिना तेणु ये हस्पिटाल को आसवापी विभिन्न समय लोक डरुंचने अमंग रोगी मैंने आसवापी जी जो मैंने आपत्ति नहीं आसी सीए आमर गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने यही वीडियो वायरल देखला परे कौन सी गणमाध्यम प्रतिनिधि को कहीं पांच जन को डाक नहीं जापारे ना जे सत्यासत्य घटना मुझे देखी चलतु जे प्रकृत से स्वच्छ ठीक भाव में ट्रिटमेंट होक ठीक चिकित्सा पाँचे साहसटा जना जाता जे ना जिलापा साहस अच्छी कह रकम दम अच्छी सी सत्य कौन अच्छा जदि ये भली किसी नक सीए मनोमुखी भाव में सी चलीगले गोटे ऑफिशियली प्रशासन जो सफेद झूठ वहाँ के कोविड मरीजों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं वह निंदनीय है। वहाँ 3 से 4 मरीज नीचे गिरे पड़े हैं, कोई बिस्तर के पास, कोई शौचालय के पास, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। कोई नर्स या कर्मचारी उनके आसपास भी नहीं है। उसके बावजूद जिलापाल श्री विनीत भारद्वाज बोल रहे हैं कि एक जन के बारे में जो न्यूरोलॉजिकल संकट से गुजर रहा था, क्या वो 4 जन का भी वही संकट था या उनके इलाज के लिए कर्मचारी थे ही नहीं? हम सवाल करते हैं जिला प्रशासन से, इंसान को इस तरह से बर्ताव करने वाले और कीड़े मकोड़े समझने वालों को बचा के क्या हासिल होगा? मौत का सौदागर बन के लूट मार करने जैसी आदत बन गई है प्रशासन का, जहां एक सच्चाई को दबाया जा रहा है। आइए सुनते हैं मयूरभंज के बुद्धिजीवी और जनता क्या कहती है। देखिए जिला प्रशासन ने और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्पेशली जिस तरह से उन्होंने प्रेस रिलीज दिया है इसको कोई यकीन भी नहीं कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है उनका जो कुर्सी है, कुर्सी का जो मर्यादा है उसको उन्होंने खो दिया है, वो कुर्सी का मर्यादा को खो दिया उन्होंने। कल जिस तरह से सबको ही उनको जाकर बताए थे कि जो घटना घटा है उसका इमीडिएटली इंक्वायरी करना चाहिए और उस इंक्वायरी में वो भी खुद शामिल होते हैं, मगर वो खुद का इंक्वायरी खुद किए
और डॉक्टर्स का इंक्वायरी उन्होंने किया और क्लीन चिट दे दिए कि कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। अगर कुछ नहीं हो रहा है, इतना जन जो गिरे थे नीचे में टॉयलेट के पास, फ्लोर में, वार्ड के अंदर, वो लोग कहाँ गिरे थे, क्या कर रहे थे, फोटो तो झूठा नहीं था। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, उन्होंने बोला कि अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम था, अर्थात इसका मतलब यह है कि जो वहाँ पे इलाज के लिए गया था वो दारू पीता था। इसका मतलब क्या है, मतलब जो पेशेंट वहाँ पे जाके मरा हुआ है, आज उसको बता रहे हैं कि वो दारूबाज था। ये किस तरह का इंक्वायरी है? और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जब वो मर चुके हैं उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि उसका न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम था। क्या इतना जन गिरे थे, क्या सबका न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम था? और जितने सारे नीचे सोए थे और जिस तरह से उनको देखा नहीं जा रहा था, क्या सारे दारूबाज थे? मतलब एक तरह से इन्होंने ये पूरा जिला को बदनाम किए हैं और सारे जिला के जितने सारे लोग हैं उनको दारूबाज जैसा बना दिए। कहाँ है स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास, कहाँ है उड़ीसा के स्वास्थ्य अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव प्रदीप्त महापात्र? सच कब बाहर आएगा? क्या अधिकारी सच को बाहर लाएंगे या जिलापाल की तरह झूठ प्रेस रिलीज कर चुप बैठेंगे? ये देखना अभी बाकी है। क्या सरकारी कोविड अस्पताल को लेके जिलावासियों के दिल में जो डर पैदा हो चुका है, क्या ये डर को निकालने में कामयाब हो पाएगी सरकार? यहां से ये बड़ा सवाल खड़ा होता है।